कागज के टुकड़े पर लिखना है और कानून बनना है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो मुस्लिम जो गलत है उसका विरोध करते हैं। इतनी देर से वार्ता कर रहा हूँ, मैंने एक भी बात जाति की बात करी? जब वो बिहार गए थे ना, 13 लाख लोग उनकी सभा में आए थे, उन्होंने कहा था यूनिटी बढ़ रही है, आप लोग भक्तों घर जाओ, तब से वो बंदा व्यथित हुआ है। देखो क्रांति कहाँ से जगती है, जब कोई चोट लगती है उसके दिमाग में, चोट लगी भाई को, बहन की बात बुरी लगी है तो जागो ना, तुम करो प्रयास, हो जाएगा। हमें बुरा नहीं लगा, हमें दर्द नहीं हुआ, बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। जो 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 बात कर रहे हैं ना, हम तो जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्सनली नहीं है, बौखला क्यों जाते हो जी बताओ? मुसलमान देश बने इतने कोई बौखला है, हिंदू राष्ट्र क्यों? ये हिंदुस्तान नहीं बनेगा तो कौन हिंदुस्तान बनेगा? यहाँ बिरादरी में चले जाते हो। हिंदू राष्ट्र अगर जी नहीं बनेगा हिंदुस्तान, पहले पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा क्या? हिंदुस्तान नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, गुदक आक्रांतों ने खत्म किया है, हिंदू राष्ट्र था हिंदुस्तान, आक्रम ने नहीं किया है, खत्म किया है। अरे ये आक्रमण शासन को रोका है यहाँ, आप लोग कितने थे आपकी न जो आप नहीं हो तुम? अरे भैया हम तो सुनने जा रहे हैं, जो देश पे शासन 57 इस्लामिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कितनी 57 एक मिनट 57 इस्लामिक कंट्री है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस समाज के लोग बहुसंख्यक हैं। अगर भारत में 110 करोड़ लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र होने में दिक्कत क्या है? एक बात बताइए, डंके की चोट पर होगा, मैं कहता हूँ अभी भी है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, और इसको एक कागज के टुकड़े पर लिखना है और कानून बनना है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए एक देश एक कानून भी आ रहा है, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, 3 तलाक भी हटा दिया, राम मंदिर भी बन रहा है, जितने वादे करे थे सब पूरे कर रहे हैं, 370 भी हटा दिया। आप बताइए क्या जो बीजेपी ने वादे करे थे पूरे कर रहे हैं, किसी को मिर्ची क्यों लग रही है? मैं कहता हूँ भाई साहब अभी यूसीसी एक महीने के अंदर लगेगा, एक महीने के अंदर कि बाबा से दिक्कत है, बाबा के पेट। अरे मैडम सुनिए, इनको सुनिए, ये ना इन लोगों के बस की नहीं है मैडम, इन लोगों की बस की नहीं है। बाला साहब ठाकरे, एक मिनट भैया एक मिनट रुके, बाला साहब ठाकरे ने कहा हिजड़े वो नहीं है जो ताली बजाते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं, यह बाला साहब ठाकरे ने कहा था। मेरी बात तो सुनिए, तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू ही तो विरोध कर रहा है, हिंदू ही तो विरोध कर रहा है। ये लोग असुद्दीन ओवैसी का विरोध नहीं करेंगे, ये लोग उनका विरोध नहीं करेंगे जो नेशनल टीवी पे आके कहते हैं 25 करोड़ यहाँ से ले आएंगे, 25 करोड़ वहाँ से ले आएंगे, और हमारा हमारा प्रधानमंत्री होगा लगता है, वहाँ नार कटने का डर लगता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो देश को, हम तो मुस्लिम जो गलत है उसका विरोध करते हैं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए जब हिंदू की बात है, जाति क्यों बढ़ जाता है? आप तो करते हो, मैं तो जो गलत है। एक बताओ, ये इतनी देर से जाति जाति का ज्ञान दे रहा है, मैं आपके साथ इतनी देर से वार्ता कर रहा हूँ, मैंने एक भी बात जाति की बात करी? बागेश्वर धाम सरकार को कवर करते उनके भक्त ने, उन्होंने कभी जाति की बात करी? वो हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए जा रहे हैं। और सुनिए, जब वो बिहार गए थे ना, 13 लाख लोग उनकी सभा में आए थे, उन्होंने कहा था यूनिटी बढ़ रही है, आप लोग भक्तों घर जाओ। 13 लाख लोग एक समय पे बुलाना, ये किसी नेता की हिम्मत नहीं है आज की डेट में। लेकिन एक संत, एक सिंगर ने बोला है कि औरों के में जो है वो लोग आते हैं, संख्या में लोग आते हैं, बागेश्वर धाम में सैलाब आता है, सुनामी आ जाती है। तो इतने भक्त हैं, देखो बागेश्वर धाम सरकार का चरित्र पवित्र है और वो जातिवाद नहीं करते। बाबा का काम मैडम केवल इतना है वो हिंदुओं का गाइडेंस करें और कर रहे हैं, पर जे एक एक जाति को एक धर्म को लेकर के देश नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका, आज बाबा खड़े हैं तो बीजेपी की वजह से खड़े हुए हैं, नहीं तो आज बाबा खड़े नहीं रह पाते। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का करोगे क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? एक बात बताओ, जब हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? पहले हिंदू राष्ट्र है, ये डरना दिलाना हिंदू माता डरना दिलाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, खतना करवा लिया है क्या ये? अपना खतना करवा के आए क्या ये? क्यों छिड़ रहे इतना? ये बेटे गर्व से कहते हैं हिंदू है, ब्राह्मण का बेटा हूँ, और नपुर सर मेरे को दर्द इस बात का है जो बात थी ना, ये पार्टी बदल चुके हैं, ये हिंदू नहीं रहे, ये लोग पता नहीं क्या
ये पता नहीं किस मानसिकता से आए। अभी आप इनको 5 सेकंड बोलने नहीं दोगे ना तो आपको भी गोदी मीडिया कह देंगे। अभी इनको इनको फुल अधिकार है, शाम को 6 बजे और देश को गाली दो, यहाँ से हिंदुओं को गाली दो। आप देखो सर्टिफिकेट बनवाए इन लोगों ने, करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आज हिंदुओं को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं। वो हमारे नेता है, हिंदुओं के सबसे बड़े नेता है वो वर्तमान में। जैसे बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, आज वर्तमान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू हृदय सम्राट है। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट है और इनको प्रणाम है और इनकी बुराई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इनके चरित्र पवित्र हैं। इन्होंने देश के लिए किया, इन्होंने समाज के लिए किया है, माताओं बहन बेटियों के लिए किया है और जातियों से ऊपर से इट उठ के किया है। हिंदुत्व को सर्वोपरि रखा, सनातन धर्म पे किताब लिखी है, किसी जाति पे किताब नहीं लिखी है। और उसमें अगर जातिवाद लिखा हो तो बता देना, मैं नाम बदल दूंगा, मूंछें कटवा दूंगा अपनी। ये भाई साहब अब सुनिए, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।